नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ मिशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में इनकम टैक्स विभाग की ओर से गुरुवार की अहले सुबह ईंट कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनकम टैक्स के अधिकारी अहले सुबह भागलपुर पहुंचे और ईंट कारोबारी अफरोज आलम के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी, जहां से कई दस्तावेज भी आयकर टीम को मिला है, जिसका खुलासा अभी विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी मामले में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। हालांकि अधिकारियों को छापेमारी के दौरान अफरोज आलम के ठिकानों से कौन कौन से दस्तावेज मिला है, इसकी जानकारी देने से फिलहाल अधिकारी बच रहे हैं। बता दें कि अफरोज आलम भागलपुर के हाबीपुर के रहने वाले हैं और आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग द्वारा इनके कई ठिकानों पर अधिकारियों ने रेड किया है, जो कई घंटों तक जारी रहा। सुल्तानगंज के शाहबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा बीते 22 नवंबर से लापता हो गए थे, जिसके चार दिन बाद 26 नवंबर को भागलपुर एसएसपी बाबूराम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर देने की पुष्टि की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर स्पेशल टीम गठित कर मृतक के शव को बरामद करने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी बाद थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा था। बता दें कि स्पेशल टीम ने अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि उसके निशानदेही पर पुलिस ने बाद थाना क्षेत्र की अठोरिया नहर से मृतक के शव को भी बरामद कर लिया है। इसको लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी दिलीप मंडल की निशानदेही पर प्रॉपर्टी डीलर का बोरे में बंद शव बरामद किया गया है, जबकि शव में लिपटे कपड़े से परिजनों द्वारा मृतक की पहचान की गई है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद जहां मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है, वहीं प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होने के बाद गुरुवार को अलग अलग पद के प्रत्याशी द्वारा हार जीत की संभावना को लेकर जोड़ घटाव का दौर जारी है। जगह जगह लोगों के बीच भी चुनाव के परिणाम से जुड़े विषय पर चर्चा होती रही। दरअसल शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है, जिसको लेकर भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के महापौर और उपमहापौर पद के अलावा पार्षद पद के प्रत्याशी अपनी जीत हार का आकलन करने में लगे हैं। वहीं भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण के डीएवी पब्लिक स्कूल में बनाए गए मतगणना केंद्र पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 30 दिसंबर को बीएयू परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की जाएगी, जहाँ स्ट्रांग रूम समेत सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इधर एक ओर जहां मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल के समर्थक अलग अलग वार्ड से मिले फीडबैक के आधार पर अपनी जीत का भरोसा जता रहे हैं, वहीं पूर्व महापौर सीमा शाह के समर्थक भी डैमेज कंट्रोल कर मतदान के दौरान जनता का भरपूर साथ मिलने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मेयर प्रत्याशी गजाला परवीन के पक्ष में भी अच्छी वोटिंग होने की बात कही जा रही है, जो इन दोनों उम्मीदवार के हार जीत में अहम साबित हो सकती है। वहीं महापौर पद के लिए डॉक्टर सलाहुद्दीन और संतोष कुमार के पक्ष में भारी वोटिंग की बात चर्चा में है, जबकि इसके अलावा कविता राय समेत कुछ अन्य प्रत्याशियों को भी जनता का समर्थन मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि डिप्टी मेयर पद के लिए सीधा मुकाबला डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन और संतोष कुमार के बीच ही है, जिसका खुलासा शुक्रवार को मतगणना के साथ ही हो जाएगा। इसके अलावा पार्षद पद के लिए कुछ वार्ड को छोड़कर अधिकतर जगहों पर जनता द्वारा बदलाव के संकेत दे दिए गए हैं और सह और मात के खेल में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अलग से हुए मतदान के बाद नगर सरकार की कमान किसके हाथ आती है और कौन से पार्षद इस कैबिनेट और सदन का हिस्सा बन पाते हैं, यह तो ईवीएम का पिटारा खोलने के बाद आने वाले परिणाम से पता चल सकेगा। भागलपुर टीएमयू में चल रही फर्स्ट ईयर की परीक्षा को लेकर पीएनए एंड बीपी साइंस कॉलेज में मारवाड़ी कॉलेज के छात्र रजनीश कुमार सिंह को नकल करते हुए पकड़ा गया। वह इसके बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से जब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई तो वह आनन फानन में कॉलेज की दीवार फांद कर वहां से फरार हो गया। बता दें कि मारवाड़ी कॉलेज का परीक्षा सेंटर पीएनए एंड बीपी साइंस कॉलेज में पड़ा है, जहाँ गुरुवार को फिजिक्स की परीक्षा के दौरान मारवाड़ी कॉलेज का छात्र रजनीश कुमार सिंह नकल हुए पकड़ा गया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रजनीश कुमार सिंह को निष्कासित कर दिया है, जबकि नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कही है कि हमारे यहाँ मारवाड़ी कॉलेज का बीए पार्ट वन का सेंटर चल रहा है, तो
तो उसमें प्रथम पाली में एक लड़का कदाचार करता हुआ पकड़ा गया जिसका नाम था रजनीश कुमार सिंह, ठीक है, जो फिजिक्स ऑनर्स का विद्यार्थी है और वो अपने साथ में काफ़ी मात्रा में चीट लाया था, जो करता हुआ पकड़ा गया है। चिटिंग में क्या रहता है सर, क्या बिल्कुल चेकिंग ही कारण तो पकड़ा गया, चेकिंग नहीं करते तो थोड़ी ही आप लोग को ये दे पाते। कहां गया, भाग गया। हाँ, वो लड़का कोई हमने जैसे ही बाहर निकाला क्लास से, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो जाए तो बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद लड़का को जैसे ही भनक लगा कि अब हमको जेल भेजेंगे, तब तक कार्रवाई हो रही थी, कागजी कार्रवाई हो रही थी, इसी बीच में वो हमारा वहाँ है देवाल फान करके और वो लड़का भाग गया। क्या नाम है? रजनीश कुमार सिंह उसका नाम है, पिता का नाम है अरविंद सिंह, मरवाड़ी कॉलेज का है, जिसका रोल नंबर है 2124141 56। मेरा नाम मुन्नी कुमारी है, घर पर रहा है, हम जो है शुगर का पेशेंट है, हम एक साल से अंग्रेजी दवाई खा रहे थे, अंग्रेजी दवाई से हमको उतना फायदा नहीं हुआ इतना होना चाहिए, फिर हम एक राय से परामर्श लिए और दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाने के बाद हमको बहुत फायदा हुआ, एक महीना में ही हमको फायदा होने लगा, बहुत फायदा हुआ और 3 महीना में मेरा बीमारी जड़ से छूट गया और हम रोटी चावल भात सब खाते हैं और हम इनके दवाई से बहुत संतुष्ट हैं, 1 महीने से मेरा दवाई बंद है, सब कुछ खाने के बाद मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। नाम है रेखा देवी, खगड़िया जिला को रहने वाले हैं और हमको 1 साल से शुगर था, तो कोई आदमी बताया कि जाइए भागलपुर में डॉक्टर है एक किराए, तो यहाँ आए तो दवाई दिए डॉक्टर साहब, तो 8 दिन में ठीक होने लगे। अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, शुगर नहीं घट रहा था और मेरा पेशाब में जलन था, तो वो सब ठीक हो गया। 3 महीना से दवाई चल रहा था, 3 महीना दवाई खाए तो और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब दवाई नहीं खाते, सब चीज़ खाने के बाद अभी रिपोर्ट ठीक है, सब चीज़ खाते हैं, खाना जो होता है फल फ्रूट दाल चावल सब खाते हैं, अभी ठीक है, हम दवाई नहीं खाते हैं, दवाई बंद है। भागलपुर के
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसीरा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने पहुंचे खनन पदाधिकारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने 4 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। बता दें कि मंगलवार की अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर खनन पदाधिकारी महर्षि मुनि कजरैली पहुंचे थे, जहां उन्होंने अवैध बालू लेकर आ रहे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जिसके कारण बेखौफ बालू माफिया ने खनन पदाधिकारी के साथ मारपीट भी की थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ था, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इधर इसको लेकर यह भी बात सामने आ रही है कि स्थानीय पुलिस और बालू माफिया की मिलीभगत से बालू की चोरी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।